आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखेंगे, लोकेशन एंड एक्सटेंट चैप्टर का नाम है। तुम लोग टेंथ की पूरी ज्योग्राफी की बुक देखोगे तो दो कंट्रीज के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दिया है, सिर्फ दो कंट्रीज के बारे में, इंडिया एंड ब्राजील। पूरे ज्योग्राफी के बुक में इंडिया एंड ब्राजील के बारे में ही चैप्टर्स है। ओके, तो हम लोग ये सेकेंड चैप्टर में इंडिया का लोकेशन डिसाइड करेंगे एंड ब्राजील का लोकेशन डिसाइड करेंगे, मतलब सीखेंगे। ओके, तो पहले इंडिया के बारे में देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप है पूरा, अगर देखोगे तो ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। ओके, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? एशिया। ओके, तो ये एशिया वर्ल्ड, देखो आप वर्ल्ड मैप चल रहा है। मैं पहले, ये नहीं है तुम्हारे बुक में लेकिन फिर भी मैंने वर्ल्ड मैप डाउनलोड किया है और तुम्हें बता रहा हूं कि ये पूरा का, देखो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, फर्स्ट। सेकेंड, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है मैप के ऊपर। तो ये हुआ तुम्हारा नॉर्थ ये तुम्हारा हुआ नॉर्थ डायरेक्शन, ये हुआ तुम्हारा साउथ डायरेक्शन, ये हुआ तुम्हारा वेस्ट, ये हुआ तुम्हारा ईस्ट। तो तुम लोग मुझे बताओ एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से डायरेक्शन में इंडिया आता है? साउथ, है ना, साउथ में आ रहा है। देखो लर्न करने के लिए जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन वो विजुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ओके, एशिया, ये तुम्हारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये तुम्हारा एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से डायरेक्शन में आ रहा है इंडिया? साउथ डायरेक्शन में, फर्स्ट। ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ, ये समझो तुम्हारा अर्थ है, तो अर्थ में चार हेमिस्फीयर डिवाइड कर दिए, मतलब एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देखो पूरे अर्थ को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरे अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? चार पार्ट में, ये याद रखना। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। देखो ये जो है ये हाफ हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ सर्कल, याद रखना, हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ सर्कल। तो पूरे अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? पूरे अर्थ को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। ओके, तो पूरे अर्थ के ऊपर इंडिया को लोकेशन का है। देखो ये यहां पे इंडिया का लोकेशन कहां पे? यहां पे, याद रखना इंडिया का लोकेशन यहां पे। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, तो इंडिया कहां पे आता है? नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया आता है। देखो मैक्सिमम पार्ट कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, है ना। मैक्सिमम पार्ट कहां पे है इंडिया का? नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, तो इंडिया का लोकेशन के बारे में दो चीजें हम लोगों ने सीखी। पहले तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ओके, एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से डायरेक्शन में है इंडिया? साउथ डायरेक्शन में है। ये हुआ तुम्हारा एशिया का। अभी वर्ल्ड मतलब पूरे अर्थ के ऊपर इंडिया का लोकेशन क्या है? तो मैंने देखा ये पूरा अर्थ है। ओके, तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट। ओके, तो तुम्हारे पूरे अर्थ के ऊपर इंडिया का लोकेशन किसके बीच में आता है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में इंडिया का लोकेशन आता है। ओके, मैक्सिमम पार्ट लाइज इन नॉर्थ एंड ईस्ट। देखो ये मैक्सिमम पार्ट नॉर्थ एंड ईस्ट में आता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ब्राजील के बारे में। ओके, ये देखो ये तुम्हारा पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। ओके, देखो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका। ओके, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में ब्राजील आता है? देखो
देखो तुम लोग अगर देखोगे ब्राजील तो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इंडिया। ब्राजील का साइज देखो, ब्राजील का साइज बड़ा है, एरिया बड़ा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो ब्राजील का मैक्सिमम पार्ट साउथ डायरेक्शन में है। मैं देखो ज्यादा करके पार्ट साउथ डायरेक्शन में है और कम पार्ट उसका नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राजील का लोकेशन क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राजील का लोकेशन क्या है? साउथ डायरेक्शन मैक्सिमम पार्ट आता है। ब्राजील का मैक्सिमम पार्ट साउथ डायरेक्शन में है एंड मिनिमम पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। ये देखो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ओके। तो ज्यादा पार्ट कहां पे जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में, एंड मिनिमम पार्ट कहां पे है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये कॉन्टिनेंट में उसका लोकेशन हो गया ब्राजील का, ओके। अभी वर्ल्ड वर्ल्ड में मतलब पूरे अर्थ में ब्राजील का लोकेशन क्या आता है? ध्यान दो, ब्राजील आता है वेस्ट पार्ट में। देखो इंडिया है यहां पे ईस्ट पार्ट में, ब्राजील है यहां पे वेस्ट पार्ट में। ये याद रखना। क्या बोला समझा? ब्राजील कौन से पार्ट में आता है? वेस्ट में आता है। इंडिया ईस्ट में आता है, ये याद रखना, ओके। तो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे अर्थ के ऊपर ब्राजील का लोकेशन कहां पे है? वेस्ट साइड ऑफ द अर्थ। ब्राजील का लोकेशन कहां पे है? वेस्ट साइड ऑफ द अर्थ। ये वेस्ट हुआ और ये तुम्हारा कौन सा हुआ? ये तुम्हारा हुआ साउथ। साउथ वेस्ट के बीच में कौन आता है? ब्राजील। याद रखना साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये चीज याद रखना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? देखो हम लोगों ने सीखा एशिया में, एशिया में इंडिया आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में इंडिया है? साउथ पार्ट में। सेम ब्राजील के बारे में देखते हैं, यह है ब्राजील, यहां पे देखो ब्राजील है। यह कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका, ओके। तो साउथ अमेरिका में ब्राजील ये कंट्री मैक्सिमम साउथ में है और मिनिमम नॉर्थ में है। देखो ये देखो ये पूरा का पूरा कंट्री है ना, ये पूरा का पूरा कंट्री है ब्राजील। उसका एरिया ज्यादा है, उसका मैक्सिमम पार्ट कहां पे? साउथ में आ रहा है। मिनिमम पार्ट कहां पे आ रहा है? नॉर्थ में आ रहा है। ये याद रखना। अभी पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर पूरे अर्थ के ऊपर इंडिया कहां पे है? इंडिया यहां पे आता है। किसके बीच में? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। देखो इंडिया का ज्यादा पार्ट है, ओके। एंड एंड ब्राजील कहां पे आता है? पूरे अर्थ के ऊपर। देखो यहां पे आता है किसके बीच में? साउथ एंड वेस्ट के बीच में, है ना। साउथ एंड वेस्ट के बीच में कौन आता है? ब्राजील। इंडिया कहां पे आता है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। एंड ब्राजील कहां पे आता है? साउथ एंड वेस्ट के बीच में, ओके। ये हुआ उसका लोकेशन, ओके। लेकिन अगर मुझे किसी को लोकेशन बताना है तो कहां पे? तो नंबर्स में बताया जाता है, याद रखना। लोकेशन हम लोग नंबर में बता सकते हैं, अर्थ के ऊपर लोकेशंस बताया जा सकता है। वो कैसे? देखो इंडिया इज लोकेटेड एट 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखो ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है। लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो एक चीज याद रखना, लैटिट्यूड मतलब क्या? लैटिट्यूड मतलब अर्थ, अर्थ के ऊपर। ये तुम्हारा अर्थ है, ये हुआ तुम्हारा मेडियन ये बीच का लाइन इक्वेटर। ये क्या है अर्थ का? इक्वेटर। तो पूरे अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया गया है। तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होते हैं लैटिट्यूड, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होते हैं लैटिट्यूड, एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होते हैं लॉन्गिट्यूड। ये याद रखना। नहीं देखो जरूरत नहीं है इसकी, तुम्हें डायरेक्टली लोकेशन याद कर लेना, लर्न कर लेना ये, ओके। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, नहीं तो 1 मार्क के लिए आएगा नेम द फॉलोइंग में, ओके। तो फिर भी याद रख लो, लैटिट्यूड मतलब क्या? वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस को क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। अर्थ के ऊपर जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होते हैं उसे बोलते हैं लैटिट्यूड।
एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होते हैं उन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो इंडिया का लोकेशन कहां पे है? देखो, लैटिट्यूड के ऊपर एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर इंडिया। देखो मैंने क्या बोला, लैटिट्यूड मतलब क्या, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है ना, एंड लॉन्गिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। अर्थ के ऊपर जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होते हैं, वर्टिकल मतलब सीधा इमेजिनरी लाइंस होते हैं, उसे बोला जाता है लैटिट्यूड। ओके, तो एक क्वेश्चन ने भी लक्ष्य देवाजी, सरल रेशा पृथ्वी पर ज्या रेशा सरल है त्यांना म्हणणार लैटिट्यूड, आणि ज्या आडव्या आहेत त्यांना बोलणार लॉन्गिट्यूड। ये याद रखना, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स को बोला जाता है लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड इंडिया में, देखो इंडिया का लोकेशन चल रहा है, लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड के ऊपर इंडिया है? देखो दो इमेजिनरी लाइन्स है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, सही है, एक सरल आणि एक आडवी। तो इंडियाचं पृथ्वीवर असलेलं लोकेशन काय आहे? ओके, इंडियाचं पृथ्वीवर असलेलं लोकेशन बरोबर आहे, म्हणजे कुठे आहे इंडिया ते आपल्याला शोधायचं आहे। ओके, इंडिया का अर्थ के ऊपर लोकेशन कहां पे है? तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में उसे डिवाइड किया गया है। मतलब क्या है, सिंपल लॉजिक, लैटिट्यूड मतलब क्या, वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर इंडिया का लोकेशन कहां पे है? 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute, ये हुआ तुम्हारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के ऊपर कहां पे आता है इंडिया? यहां पे आता है, इतने डिग्री एंड इतने मिनट। ओके, अभी लॉन्गिट्यूड मतलब क्या, लॉन्गिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंडिया आता है? कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंडिया आता है? 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute ईस्ट। ओके, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट। ओके, तो मुझे अब तक क्या पता चला, बघा मराठीत सांगायचं झालं तर लॉन्गिट्यूड म्हणजे काय, लॉन्गिट्यूड म्हणजे पृथ्वीवर असलेल्या एक काल्पनिक सरळ रेषा, पृथ्वीवर असलेली, बघा लॉन्गिट्यूड म्हणजे पृथ्वीवर असलेली सरळ काल्पनिक रेषा, आणि लॉन्गिट्यूड म्हणजे, लॉन्गिट्यूड म्हणजे काय, पृथ्वीवर असलेल्या काल्पनिक आडव्या रेषा। ओके, लॅटिट्यूड आणि लॉन्गिट्यूड म्हणजे काय, लॅटिट्यूड म्हणजे काल्पनिक सरळ रेषा आणि लॉन्गिट्यूड म्हणजे काल्पनिक आडव्या रेषा। तर पृथ्वीचं लोकेशन कुठे येतं पृथ्वीवर? तर लॅटिट्यूड वर कुठे येतं? इथे 8 degree 4 minute north, 37 degree 6 minute north, हे लॅटिट्यूड वर, म्हणजे उभ्या लाईनीवर। कोणत्या उभ्या लाईनीवर? या उभ्या लाईनीवर येतं। आणि लॉन्गिट्यूड 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east। देखो ये कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, बस तुम्हें ये याद रखना है, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है चैप्टर में। ओके, सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है, लोकेशन कहां पे, लैटिट्यूड के ऊपर इंडिया कहां पे आता है, यहां पे आता है, लॉन्गिट्यूड के ऊपर इंडिया कहां पे आता है, यहां पे आता है, बस ये तुम्हें याद रखना है इंडिया का, फिर ब्राजील का याद रखना है, बस इतना ही है चैप्टर में। ओके, तो सिंपल अब तक मुझे क्या पता चला, अपना अर्थ को डिवाइड किया गया है दो लाइंस में, एक वर्टिकल लाइंस में एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइंस में। वर्टिकल लाइन को बोला जाता है लैटिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर इंडिया का लोकेशन क्या है? ये। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंडिया का लोकेशन क्या है? ये याद रखना है। सिमिलरली देखो अभी ब्राजील का देखते हैं, ब्राजील का कहां पे लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड के ऊपर ब्राजील आता है? 5 degree 13 minute north, 33 degree 45 minute south, ये लैटिट्यूड पे आता है। देखो ब्राजील का लोकेशन वर्टिकल लाइन पे कहां पे है? ब्राजील का लोकेशन वर्टिकल लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन मतलब कौन सा लाइन? लैटिट्यूड। तो ये उसका
आंसर है 5 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कहां पे है ब्राजील, तो ये है 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट, 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट, ये याद रखना। ओके तो मुझे अब तक क्या पता चला, मुझे अब तक ये पता चला कि इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूड के ऊपर एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर कहां पे है, यहां पे लैटिट्यूड के ऊपर ये है बराबर है, और लॉन्गिट्यूड के ऊपर ये है। ब्राजील का लोकेशन बराबर है, ब्राजील कुठल्या जागेवर येतो, लैटिट्यूड वर कुठल्या, ते बघा तिथे लिहिलंय 5 डिग्री 13 मिनिट नॉर्थ 30 डिग्री 45 मिनिट साउथ। अभी लॉन्गिट्यूड के ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कहां पे आता है ब्राजील, तो वही है 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। ओके ये तुम्हें सिर्फ याद करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं आने वाला है, सिर्फ ये एक मार्क का क्वेश्चन है ये। ओके ये एक मार्क का क्वेश्चन है, ये ज्यादा करके तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स या वन नेम द फॉलोइंग में आएगा। ओके तो एक ही चीज याद रखना है, इंडिया का जब लोकेशन लिखना है तो वो कौन से डायरेक्शन में, एशिया में कहां पे आता है वो लिखना है, अर्थ के ऊपर कहां पे आता है वो लिखना है, फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लोकेशन लिखना है। ओके सेम ब्राजील के बारे में भी बघा, जर भारताचं नकाशावर जागा कोणती येते लिहायचं असेल तर एशिया मध्ये कुठल्या बाजूला येतो ते लिहायचंय, परत लॅटिट्यूड आणि लॉन्गिट्यूड वर त्याची जागा काय आहे ते लिहायचंय, आणि ब्राझीलचं पण सेम तसंच लिहायचंय। ओके तो ये हुआ तुम्हारा अब तक उसका लोकेशन, इंडिया एंड ब्राझील का लोकेशन। देखो ये चीज याद रखना, ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, एक पेज का चैप्टर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तो सारे ब्रीफ आएंगे, इतना भी कोई टफ चैप्टर नहीं है। बस तुम्हें ये चीज याद रखना है कि एशिया में ब्राजील आता है साउथ में, अर्थ के ऊपर कहां पे आता है, नॉर्थ एंड ईस्ट में, सही है। देखो देखो मैंने कैसे याद रखा, फर्स्ट इंडिया एशिया में कहां पे आता है, साउथ डायरेक्शन में, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंडिया अर्थ के ऊपर कहां पे आता है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, बताया मैंने कैसे। ओके सिमिलरली ब्राजील के बारे में देखते हैं, ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में ब्राजील का ज्यादा पार्ट कहां पे है, साउथ डायरेक्शन में, और कम पार्ट कहां पे है, कम पार्ट कहां पे है, नॉर्थ में है। ओके अगर ब्राजील हा देश साउथ अमेरिका खंडा देतो बरोबर आहे, त्याचा जास्त भाग दक्षिणेला आहे आणि कमी भाग उत्तरेला आहे, समजलं, और पूरे अर्थ के ऊपर वो कहां पे आता है, पूरे अर्थ के ऊपर वो कहां पे आता है, मैंने बताया यहां पे वेस्ट है यहां पे साउथ है बरोबर है, यहां पे आता है वो वेस्ट एंड साउथ के बीच में ब्राजील आता है। ये तो हो गया तुम्हारा ओरली, बघा हे तोंडी झालं की ब्राजील आणि इंडिया कुठे आहे। अभी अगर मुझे मेजरमेंट्स में लिखना है, अगर मुझे मेजरमेंट्स में लिखना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखना है एंड ब्राजील का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखना है, कौन है, हाँ